रामलाल और सुधा अब बूढ़े हो चले थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने जो भी कमाया सब अपने दोनों बेटों के परवरिश में लगा दिया। अब उनके बुढ़ापे का सहारा उनके दो बेटे ही थे, लेकिन दोनों बेटे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। क्या माँ, रोज ये सूखी रोटी बना देती हो, मुझे नहीं खाना है। सूखी रोटी मेरे गले में फंस जाती है। बेटा, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही, अब मुझसे काम नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है वो तुम दोनों के परवरिश में लगा दिया है। दो दो जवान बेटे घर पर है, फिर भी बाप को काम करना पड़ रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम लोग कुछ काम तो कर लो। अब हमसे खेती तो होने से रही, हम शहर जाकर कुछ नौकरी कर लेंगे। हाँ, वैसे भी आप दोनों के पास हमें देने के लिए कुछ है नहीं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो मुझे और तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा? वो सब आप लोग देख लीजिए। अगले दिन रोहित और राज घर से बचा हुआ सारा पैसा लेकर शहर चले जाते हैं। रामलाल और सुधा घर में अकेले रह जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टाइम का खाना होता है। सुनिए, घर में बस एक टाइम का चावल बचा है। आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ला दीजिए, हम लोग नमक और चावल खा लेंगे। हे भगवान, बुढ़ापे में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। रामलाल जंगल जाकर अपने कांपते हाथों से लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होने के वजह से उसे लकड़ी काटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी रामलाल को किसी जानवर के बच्चे की चिल्लाने का आवाज आई। अरे, यह किसी जानवर के बच्चे की आवाज लगती है। ऐसा मालूम होता है वो किसी तकलीफ में है, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। रामलाल इधर उधर घूमकर उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक लोमड़ी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ मिलता है। वो बच्चा गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। रामलाल उस बच्चे को उस गड्ढे से निकालने में मदद करता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा बच्चा है, ये खेलते वक्त इस गड्ढे में गिर गया था, आपने इसकी जान बचाई है, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूँ? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं तो किसी और से क्या मदद लेना। मैं आपको एक जादुई साबुन दे रही हूँ, शायद ये आपके कुछ काम आ जाए। इतना बोलकर लोमड़ी साबुन वहीं रखकर चली जाती है। रामलाल वो साबुन अपनी जेब में रख लेता है और आसपास पड़ी लकड़ी लेकर घर चला जाता है। अरे ये क्या, आपके कपड़े में मिट्टी कैसे लग गई? एक लोमड़ी के बच्चे को बचाने में गंदे हो गए। हमारे पास खाने के तो पैसे है नहीं, अब आपके कपड़े कैसे धोऊं? ये लो साबुन, इससे धो देना। ये साबुन तो बहुत बड़ा है, मैं इसके चार टुकड़े कर देती हूँ, बाद में काम आएगा। सुधा साबुन का चार टुकड़े करके एक टुकड़े से रामलाल के कपड़े साफ कर देती है। और अगले दिन जैसे ही वो उस साबुन को देखती है वो बोलती है, अरे ये देखिए, मैंने कल इस साबुन के चार टुकड़े करे थे, लेकिन अब तो ये फिर से उतना ही बढ़ गया। अरे ये साबुन मुझे जादुई लोमड़ी ने दिया था, लगता है ये कोई जादुई साबुन है। क्यों ना हम इस जादुई साबुन का व्यापार कर ले, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा बुढ़ापा भी कट जाएगा। रामलाल और सुधा जादुई साबुन के टुकड़े कर उसे बेचने लगते हैं, उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। यह बात राज और रोहित को पता चलती है। ये सुनकर दोनों गांव वापस आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अब यहीं रहकर आप दोनों की सेवा करेंगे और काम में हाथ बटाएंगे। अरे मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। रोहित और राज को जादुई साबुन के बारे में पता चल जाता है, दोनों के मन में लालच आ जाता है। क्यों ना हम ये सारे जादुई साबुन चोरी कर ले और शहर जाकर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा। हाँ, आज रात ही हम लोग यहाँ से साबुन लेकर शहर चले जाएंगे। दोनों रात में सारा सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सुबह जब रामलाल और सुधा उठते हैं और सारा सामान समेत राज और रोहित को गायब देखते हैं तो उन्हें अपनी हालत पर रोना आ जाता है।
इधर रोहित और राज शहर पहुंचते ही उनका सारा साबुन और सामान गायब हो जाता है। अरे, हमने जादुई साबुन चोरी किया, इसीलिए हमारा सारा सामान गायब हो गया। हमें गांव जाकर माफी मांगनी चाहिए। राज और रोहित वापस गांव जाकर रामलाल और सुधा से माफी मांग लेते हैं और फिर कभी ऐसे गलती नहीं करने का कसम खाते हैं। रामलाल दोनों को माफ कर देता है। माफ करते ही गायब हुआ सारा सामान वापस आ जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक राक्षस रहता था। उसके कारण सारे गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन राक्षस कभी भीड़ में लोगों को नहीं मारता था। जब उसको कोई अकेला दिखता तो वह उसे पकड़ लेता और मारकर खा जाता। उसी गांव में एक बच्चा था जिसका नाम विशाल था। विशाल बहुत ही समझदार और नेक बच्चा था। एक दिन विशाल अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, ये राक्षस तो ऐसे करके धीरे धीरे सबको खा जाएगा, इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन कोई भी इसके लिए कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? हमें सरपंच से इस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है बेटा, हम कल इस बारे में पंचायत में बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, अभी सो जाते हैं। दूसरे दिन विशाल और उसके पिताजी पंचायत में ये बात रखते हैं कि इस राक्षस को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक एक करके सबको मार डालेगा और कोई भी यहाँ नहीं बचेगा। सारा गांव विशाल की बात से सहमत होता है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन वे राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें किसी की मदद लेनी होगी, जैसे कोई किसी साधु की। इतने में पंच में से एक पंच कहता है, ये जो गांव से थोड़ी दूर पहाड़ है, वहाँ एक सिद्ध साधु रहते हैं, उनको इस राक्षस को मारने की तरकीब जरूर पता होगी, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वे कहाँ हैं और पहाड़ बहुत बड़ा है। गांव वाले मिलकर उन साधु को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस पर्वत पर जाते हैं और आखिरकार उन्हें वे साधु मिल ही जाता है। तो सारे गांव वाले साधु को बताते हैं, महाराज, हमारे गांव में एक राक्षस है और जब भी उसे कोई अकेला मिलता है वो उसे पकड़कर मार डालता है और खा लेता है। वह बहुत बड़ा है, उसको मरना बहुत जरूरी है, उसके लिए कोई तरकीब बताइए। जिस पहाड़ पर तुम लोग खड़े हो वे एक जादुई पहाड़ है, अगर इस पहाड़ पर तुम कैसे भी करके उस राक्षस को ले आओगे तो आदि शक्तियाँ उसकी यहीं पर खत्म हो जाएंगी, और उसकी पूरी शक्ति खत्म करने के लिए उसे इस पहाड़ पर स्थित शंकर भगवान के मंदिर तक लाना पड़ेगा। लेकिन हम उसे लेकर कैसे आएंगे? मुझे उस राक्षस को एक बार देखना है, तभी मैं बता सकता हूँ कि किस चीज के मोह में वह यहाँ तक आएगा। और सब साधु के साथ गांव में वापस आ जाते हैं। साधु उस राक्षस को देखता है। वह राक्षस एक चमेली के पेड़ के पास रहता है और चमेली के फूलों की खुशबू को सूंघता है। महाराज समझ जाते हैं कि राक्षस को चमेली के फूलों की खुशबू पसंद है। साधु गांव वालों को बताते हैं कि इस राक्षस को चमेली के फूलों की खुशबू के सहारे जादुई पहाड़ पर लाया जा सकता है। गांव वाले चमेली के फूलों का एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं और उसे बिछाते हैं, और राक्षस उसमें फंस जाता है और सभी उसको खींचते हुए पहाड़ की ओर ले जाते हैं। जैसे ही वह राक्षस पहाड़ पर पहुँचता है वह बेहोश हो जाता है और उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। धीरे धीरे गांव वाले उसे लेकर शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं। जैसे ही वह राक्षस मंदिर के अंदर पहुंचता है वह इंसान बन जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। सब उससे पूछते हैं, तुम इंसान कैसे बने? तुम तो राक्षस थे। हाँ, मैंने एक ऋषि का अपमान किया था तो उनके श्राप अनुसार मैं राक्षस बन गया था, और आप लोगों की वजह से आज मुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई है। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकता, और जब मैं राक्षस योनि में था तब आप लोग मेरा भोजन थे, तो आपको मारकर खाना मेरी मजबूरी थी। तभी साधु महाराज सामने आ जाते हैं। महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। क्या ये वही साधु है? हाँ, यही वे साधु है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया महाराज कि आपके श्राप की वजह से ये राक्षस बना? हर कार्य एक नियम होता है। मुझे ये नहीं पता था कि वह राक्षस है, लेकिन जब यह इंसान की योनि में आया
तब मुझे भी इस बात का पता चला। ऐसे गांव वाले भी सुखी हो जाते हैं और राक्षस भी अपनी इंसान योनि में वापस आ जाता है।